स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में, मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सीएम सिटी करनाल का वातावरण प्रदूषित हो चुका है, हवा में जहरीले कण समा चुके हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ रहा है। इन सब से प्रभावित सबसे ज्यादा वो लोग हो रहे हैं जो कि पहले से ही हृदय, सांस एवं टीवी रोग से पीड़ित है। ऐसे लोगों के लिए प्रदूषित वातावरण जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि बीमारी के कारण उनके फेफड़े और शरीर के अन्य अंग पहले ही प्रभावित हो चुके होते हैं। ऐसे में दूषित हवा उन्हें और ज्यादा बीमार कर सकती है। कुछ ही दिनों के बाद दीपावली का पर्व आ गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आतिशबाजी का दौर रहेगा। पटाखों के धुएं से निकलने वाली जहरीली गैस उन्हें और भी बीमार कर सकती है। ऐसे में उन मरीजों को विशेष देखभाल की आवश्यकता है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में हवा प्रदूषित हो चुकी है। हवा में ऐसे जहरीले कण मौजूद हैं जो कि आम इंसान को और बीमार कर सकते हैं। ऐसे में वो मरीज जो पहले से बीमार है, उनके लिए ऐसा वातावरण कई अन्य बीमारियों को न्योता दे सकता है। इतना ही नहीं, प्रदूषित वातावरण के कारण छोटे बच्चे भी कई बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं, जैसे आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा की शिकायत तथा किसी काम में मन ना लगना, यह सभी। इसके बाद दीपावली के पर्व पर होने वाली आतिशबाजी से जो धुआं उठेगा वह वातावरण को और प्रदूषित कर सकता है। प्रदूषित वातावरण से आम आदमी और बीमार आदमी के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब की जानकारी के लिए समाचार एक्सप्रेस ने करनाल के सामान्य अस्पताल के टीवी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार से विशेष बातचीत की। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और अभी में देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि अब आज के समय में हमारे शहर की हवा जो है वो भी जहरीली हो चुकी है। हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, और टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हमें यह भी जानकारी मिली है कि प्रदेश में कुल 8 जिले ऐसे हैं जहाँ पर जो हवा की गुणवत्ता है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। उसमें करनाल यानी कि सी एम सिटी का नाम भी आता है। और ऐसे में खराब गुणवत्ता वाली हवा के अंदर सांस लेने में टीबी के मरीजों और सांस के मरीजों की क्या दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा दिवाली आने वाली, दिवाली पर आतिशबाजी जमकर चलती, जिससे कि प्रदूषण भी फैलेगा और वातावरण के अंदर और भी हवा के जहरीली होने की संभावना पूरी की पूरी बनी है। हालांकि इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने पहले आदेश दिए थे कि किसी भी तरह के पटाखे बजाने और बेचने पर प्रतिबंध है, लेकिन अब तुरंत सरकार ने फैसला लेते हुए यह 2 घंटे की परमिशन दी है। 2 घंटे के दौरान भी आप आतिशबाजी कर भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। जिनके पास लाइसेंस है केवल वो बेच सकते हैं, लेकिन 2 घंटे की आतिशबाजी भी करनाल में करोड़ों रुपए का कारोबार होगा। करोड़ों रुपए की आतिशबाजी बेची जाएगी, करोड़ों की आतिशबाजी फूकी भी जाएगी जो हवा के अंदर जहरीली हवा को और जहरीला बनाएगी। इससे सांस के मरीजों, ओटीबी के मरीजों पर क्या असर पड़ेगा, इनके शरीर पर, इनके स्वास्थ्य पर क्या फर्क पड़ेगा, इसका क्या इनको नुकसान हो सकता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है करनाल के नागरिक अस्पताल के टीबी रोग विशेषज्ञ के डॉक्टर प्रदीप। सर, सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जो मुझे अब जैसा कि आपको भी पता है कि हमारे यहाँ का जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है दिन प्रतिदिन, यहाँ पर जो इंडेक्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, सर इसका टीबी और सांस के मरीजों पर क्या असर पड़ेगा? जैसे कि आपको पता ही है, सांस के जो मरीज होते हैं और जो टीबी के मरीज होते हैं उनके फेफड़े पहले ही काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनको सांस की दिक्कत पहले से ही होती है। और जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि हवा में स्मोग की मात्रा बहुत ज़्यादा है और प्रदूषित हवा है, जिसके कारण पहले ही नॉर्मल एक आम इंसान को सांस की दिक्कत हो रही है, तो जो पहले से ही मरीज है सांस का या टीबी का, उसको कितनी दिक्कतें और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी इस टाइप के मरीज हैं, जो सांस के और टीबी के मरीज हैं, उनको अपने घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि जो हवा का सिस्टम, एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं AQI, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि 300 से ऊपर अगर जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो वो ख़राब माना जाता है। PPM 2.5 और PPM 10 जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे मास्क से तो कुछ हद तक रुक जाते हैं, परंतु जो जहरीली गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये गैसेज हमारे मास्क से नहीं रुक सकती, तो ये हवा में इनका स्तर भी काफ़ी ज़्यादा है आज की डेट में। तो ये हमारे जो फेफड़ों में जाकर, मरीजों के फेफड़ों में जाकर उनके सांस की जो नलियां हैं उनको बहुत जाकर नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे कि मरीज को सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो ऐसे मरीजों को
अपने घर में ही रहना चाहिए, घर में रह के आराम करना चाहिए, ना कि बाहर निकलना चाहिए। त्यौहार पे भी अपने घर में ही रह के त्यौहार मनाएं, बाहर बाज़ार में ख़रीदारी के लिए कोशिश करें कि ना जाएं, क्योंकि प्रदूषण की का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और ऐसे मरीजों के लिए ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। सर, अगर हम बात करें तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मेजर कारण है जैसे कि पोल्यूशन है, जैसे व्हीकल, पहले जो गाड़ियों की मात्राएं थी वो पहले कम होती थी, लोग पैदल साइकिलों पे चलते थे, पर आजकल कार और ट्रक बसेस बहुत ज़्यादा चलने लगी हैं, साथ में इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ का धुआं बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन लेवल ज़्यादा हो गया है, जगह जगह नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, उससे भी हवा में प्रदूषण का मात्रा बढ़ जाती है, और साथ में जो अब खेती कटी है उसके बाद जो फसलें जलाई जाती हैं उससे भी थोड़ा सा हवा में प्रदूषण बढ़ जाता है। तो हर साल अक्टूबर नवंबर में आकर ये हर साल का वो है, इस टाइम जब मौसम चेंज होता है हवा के अंदर वो इकट्ठा होके स्मोक का कारण बन जाता है। तो सर, अगर हम बात करें कि इस समय मौजूदा समय में आपके पास प्रतिदिन सांस और टीबी से ग्रस्त मरीज, अभी आप बता रहे हैं कि एक आम इंसान वो भी इस बीमारी से ग्रस्त होता है, उसको भी इन दिनों में जब वेदर चेंज होता है या फिर एयर में क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है तो आम आदमी को भी सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो ऐसे में जो मरीज सांस के ऑलरेडी इस बीमारी से ग्रस्त हैं उनकी मात्रा कितनी बढ़ जाती है इन दो महीनों के दौरान? इन दो महीनों के दौरान हमारे जो सांस के और टीबी के मरीज हैं लगभग दुगने हो जाते हैं, मतलब जैसे नॉर्मल मरीज 60 से 70 मरीज आते हैं तो वो 100-125 के करीब हमारी ओपीडी हो जाती है। ज़्यादातर इन्हीं दो महीने में ज़्यादा देखा जाता है जब मरीज एकदम से बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है, और ख़ास तौर पे दिवाली के दो दिन बाद, एक दिन बाद एकदम से बहुत ही ज़्यादा मरीज बढ़ जाते हैं, मरीज को एकदम से सांस की दिक्कत होती है। अब जैसे दिवाली, मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से दिवाली पे कि अगले दिन 2 दिन बाद एकदम से सांस के मरीज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो सांस के मरीज हैं वो बाहर ना निकलें, मास्क लगा के रहें, और इस साल तो वैसे भी कोरोना का प्रभाव है तो थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें क्योंकि पहले ही उनके फेफड़े कमज़ोर हैं। सर, जो सांस के मरीज हैं, हाँ जी, इन दिनों में उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, हाँ जी, या एक आम आदमी को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो हम इसकी जांच कैसे कर सकते हैं, इसका माध्यम क्या है, जांच का माध्यम क्या है कि उनके लंग्स पे कितना इफेक्ट पड़ा है, उनके फेफड़ों में कितनी क्षति हुई है, इसकी इसको आप किस तरह से जांचते हैं मरीजों को? इस तरीके से, एक तो जैसे मरीज आता है, मरीज को जैसे हम आते हैं यहाँ पर, एक्सरे कराते हैं, खून की जाँचें करा के देखते हैं, और साथ में एक PFT टेस्ट होता है वो करा के देखते हैं, और मरीज को चेक करते हैं, तो रूटीन में जब नॉर्मल मरीज होता है तो वो सांस पूरी ले रहा होता है, पर जब देखते हैं कि उनको सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं, तो ऐसे मरीजों को फिर कई बार ज़्यादा होने पर उनको भर्ती भी करना पड़ता है, भर्ती करके उनको इलाज भी करना पड़ता है। तो सर, पहले कभी कहा जाता था कि जो सर्दियों का मौसम है वो स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता था सर्दियों के, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से जो ये ट्रेंड है वो बदल गया, अब सर्दियों में इस तरह के जो वेदर चेंज होता है तो इस तरह के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। इसके पीछे जो कारण भी आपने हमें बता दिया कि इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, लोगों की आधुनिक जीवन शैली भी इसका, सर इसका जो बच्चे हैं इस मौसम का, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है और बच्चों में किस तरह के सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं, या बच्चों को किस तरह से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए इस वेदर चेंज में, इस बच्चों के लिए क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? जैसे कि पहले क्या होता था कि जब ऐसे हवा मौसम साफ होता था, सर्दियां आती थी तो लोग कहते थे कि बहुत अच्छा मौसम आया है, इसमें खाना पीना लगता है शरीर को, पर जब से ये हवा की प्रदूषण होने की वजह से अब क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे में ही 10 साल और 10 साल से ज़्यादा बच्चे हैं, उनको अब छोटे छोटे उम्र में ही सांस की दिक्कत रहने लगी है, अस्थमा की दिक्कत रहने लगी है, एलर्जिक राइनाइटिस, मतलब नाक में बहना, उनका नाक बंद रहना और आँखों में जलन रहना, ये सब वायु प्रदूषण की वजह से ही है। तो अब जो बच्चे हैं इस जब अगर जो अभी से ही सांस की दिक्कत रहेगी और नाक में दिक्कत रहेगी तो वो ना तो ढंग से पढ़ पाएंगे, ना ढंग से खेल पाएंगे, और एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक कैसे बनेंगे? तो सर, ये तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो सर्दियों में कि
क्या जो दिल के मरीज हैं या जो सांस के मरीज हैं या जो मतलब जिनको टीबी है, क्या उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए? जैसे कि अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है, तो ऐसे मौसम में तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। जो दिल के मरीज हैं, सांस के मरीज हैं और टीबी के मरीज हैं, इनको तो घर में ही आराम करना चाहिए, क्योंकि जो 300 से ऊपर है, 200 से 300 को भी ख़राब मानते हैं, बट 300 से ऊपर तो बहुत ही ख़राब मानते हैं। तो 300 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स में मरीज को बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको घर में ही आराम करना चाहिए। तो सर, आपका कहने का अभिप्राय यह है कि जो बुज़ुर्ग हैं या जो कोई भी जो दिल के मरीज हैं, जो सांस के मरीज हैं, जो फेफड़ों के मरीज हैं, उनको इन दिनों में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अर्ली मॉर्निंग लोग वॉक के लिए निकलते हैं, क्या उनके लिए जो इसका जो उनका वॉक है, इसका मतलब तो ये हो गया अगर वो इसी दम घोटू हवा के अंदर वॉक करते हैं तो वो अपने शरीर में नेचुरल एयर ऑक्सीजन लेने की बजाय गलत हवा को लेके जा रहे हैं। क्योंकि इस टाइम हवा के अंदर बहुत सारी जहरीली गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड और PPM कण होते हैं, छोटे कण बोलते हैं, 2.5 और 10, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ये सुबह के टाइम जब हवा रुक जाती है, सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग, इनका प्रभाव और ज़्यादा होता है, क्योंकि हम सुबह निकलते तो हैं साफ़ हवा लेने के लिए और सैर करते हैं, दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, पर वो हवा, गंदी हवा हमारे फेफड़ों में जाके और उसका नुकसान करती है, वो हमारी जो सांस की नलियाँ हैं उनको और ज़्यादा नुकसान करती है, जिससे फिर ऐसे मरीजों के लिए तो और ये लगा लो कि जानलेवा ही हो जाता है कई बार। सर, अब आखिरी सवाल। हाँ जी, इस समय मौजूदा समय में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हमारे यहाँ का ख़राब हो चुका है। हाँ जी। हवा जहरीली हो चुकी है, जैसा कि आपने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 300 से ऊपर हो जाए तो वो बेहद ही ख़राब माना जाता है। इस मौसम में जो अगर आम नागरिक भी है, आम नागरिक से आप क्या अपील करना चाहेंगे? आम नागरिक से यही कहना चाहेंगे, एक तो मास्क लगाएं और दूसरा ज़्यादा जो भी पोल्यूशन का कारण है, जैसे ज़्यादा व्हीकल चलाना, और अब जैसे दिवाली आ रही है तो थोड़ा सा पटाखे और इन चीज़ों से अवॉइड करना। ठीक है, त्यौहार की तरह मनाया जाए, पर दूसरों की भी देख सेहत का थोड़ा सा देखना चाहिए। और तीसरा, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जो जनरेटर लगा रखे हैं लोगों ने, डीजल जनरेटर्स, ये पोल्यूशन का बहुत मेजर कारण है, तो इनको कम से कम ये सब साल के 2 महीने हैं ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले ही हवा खुद ख़राब हो रखी होती है, ऊपर से ये पोल्यूशन को और बढ़ाते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप जी, उन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी कि इस समय जो हमारे यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के कारण वातावरण प्रदूषित हो चुका है, हवा के अंदर जहरीली गैसें अब मिल चुकी हैं, उससे सेहत पर जो दिल के मरीज हैं, सांस के मरीज हैं, फेफड़ों के मरीज हैं और टीबी के मरीज हैं, उनको खास करके अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। कम से कम घर से बाहर निकलें, जहां तक अगर संभव हो सके अपने घरों में ही रहें, अगर घर से निकलना जरूरी है तो मास्क का प्रयोग अति अवश्य करें। दूसरा सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बताई कि इस समय जो मौजूदा समय में जो हवा के हालात हैं, हवा के अंदर जो कण है जो हमारे शरीर को क्या नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसकी जानकारी भी इन्होंने हमें दी। और जो लोग इस समय सुबह नेचुरल एयर को लेकर या मॉर्निंग वॉक करते हैं या सोचकर कि वह अपने शरीर को अच्छा बना रहे हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन जा रही है, जबकि वो ऑक्सीजन नहीं, जहरीली गैस के अंदर दम घोटू हवा के अंदर वो सैर कर रहे हैं, जो उनके शरीर को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाएगी। इन्होंने विस्तार से यह भी जानकारी दी कि अगर किसी के अंदर भी अगर ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो उसको कैसे जाँचा जाता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इतना ही नहीं, इवन कि बच्चे भी इस दम घोटू और जहरीली हवा के कारण सांस की बीमारी, दिल की बीमारी से ग्रस्त होते आ रहे हैं। अस्थमा का उन पर अस्थमा के वो उसमें लग सकते हैं, उसमें अस्थमा के लक्षण आ सकते हैं, उनकी आंखों में जलन पैदा हो सकती है। ये इन्होंने उसके कारण, उसके लक्षण और उसका उपचार और उसका निदान इन्होंने हमें विस्तार से इसकी पूरी जानकारी दी। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.